न्यूज 14 सच के साथ। खबर दिन भर की। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। पिटाई के डर से युवक ने की अपनी जिंदगी खत्म। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लड़के की मां ने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका लड़का गौरव झा उम्र 16 साल अपने घर से बाहर गणेश वड़ा पाव तड़ाली में वड़ा पाव खाने गया था। वही बार कुणाल ने गौरव के घर सामान पहुंचाने के लिए कहा, जिस पर गौरव ने मना कर दिया, जिसके बाद कुणाल ने गौरव की पिटाई कर दी और बाद में और मारने की धमकी दी, जिससे डरकर घर आकर गौरव ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ट्रक की टक्कर से रिक्शा चालक की मौत, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। भिवंडी कल्याण रोड पाइपलाइन के पास रविवार सुबह 9:15 बजे एक ट्रक ने रिक्शा चालक को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी कल्याण रोड पाइपलाइन स्थित विनोद विश्वनाथ गुप्ता उम्र 55 साल बजाज कंपनी की रिक्शा लेकर कल्याण की तरफ जाने के लिए सवारी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण रिक्शा चालक की मौत हो गई। इस मामले में भिवंडी शहर पुलिस ने ट्रक चालक सचिन आंबे पाटिल पर केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। थाने के पॉश इलाके में सिर कटी लाश मिली, मचा हड़कंप, क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। थाने जिले के कापरवाड़ी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कोलचेत रोड पर एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सर काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। सोमवार सुबह थाने दीवार डोमेवली कल्याण अंबरनाथ बदलापुर और टिटवाला में घना कोहरा छाया रहा। शहरवासियों ने सुबह की सैर करते हुए मौसम का लुत्फ उठाया। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। कोहरे के कारण सेंट्रल रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेनें भी देरी से चली। नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं। महायुति में सीट बंटवारे पर अगले 8 से 10 दिनों में फैसला होगा। उन्होंने बताया कि बालासाहेब ठाकरे का सपना सस्ते घर देना था, जिसे महायुति पूरा कर रही है। बीजेपी विधायक नितेश राणे पर FIR दर्ज, नफरती भाषण देने का आरोप। नवी मुंबई में गणपति कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीएम ममता से मिलने पहुंचे आंदोलनकारी डॉक्टर्स, गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत जारी। मुख्य सचिव मनोज पंत ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से कहा कि दोनों पक्ष बैठ के आपस में विवरण पर हस्ताक्षर करेंगे, बातचीत के अंत में सभी पक्ष को इसकी कॉपी दी जाएगी। जब इसराइली सो रहे थे, तेल अवीव के दिल पर यमनी मिसाइल का हमला। रविवार की सुबह इसराइल ने एक नई तब्दीली देखी और वो यमन की ओर से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और अमेरिका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम और रडार की पकड़ में न आना था। पारस टुडे के मुताबिक ये मिसाइल इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी और इसराइली घबरा गए और अपनी अपनी शरण स्थल की ओर भागने लगे। यमन का घातक करार, अमेरिका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम। यमन ने फिलिस्तीन के समर्थन में इसराइल पर सफल मिसाइल हमला करते हुए दुनिया को एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमताओं से हैरान कर दिया। 2040 किलोमीटर दूर से दागी गई इस मिसाइल को अमेरिका और इसराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस रोक नहीं पाए। इस हमले ने यमन की नई क्षमताओं को उजागर किया है। लाल सागर में दुश्मन जहाजों को रोकने के अलावा अब यमन ने सैन्य ताकत को बड़े पैमाने पर बढ़ा लिया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।